नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर में स्पेशल सेल की टीम ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसने रादौर पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। आरोपी ने रादौर में ही 10 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से चोरी का सामान और नकदी बरामद कर ली गई है। आरोपी ने चोरी करने के मामले में मंदिर को भी नहीं बख्शा। सेल के इंचार्ज राजेश राणा ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक चोरी की फिराक में त्रिकोणी मोड़ पर रादौर में घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, सुरेंद्र, सुखविंदर, याकूब, विपिन, कुलदीप की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान छोटा बांस निवासी बब्बू उर्फ गब्बर के नाम से हुई है। आरोपी ने पूछताछ में चोरी के 10 मामलों को खुलासा किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी 18 अगस्त को ही जेल से बाहर आया और आते ही उसने रादौर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पर पहले भी विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। आरोपी के पकड़े जाने से अब रादौर के लोगों को काफी राहत मिलेगी। आरोपी सूने घरों को ही निशाना बनाता था और अकेला ही वारदातों को अंजाम देता था। जगाधरी से हमारी संवाददाता गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।